क्या देश में लोकतंत्र खतरे में है, क्या संविधान को खतरा है? देखिए क्या कहा समाजसेवी मेघा पाटकर ने। उनका कहना है कि जो कोई भी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं उनका दमन किया जा रहा है। भारत में जनतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। ये सत्ताधारी सरकार भारत में कोई भी आवाज़ उठने नहीं देते। जो कोई इनके खिलाफ बोलता है तो ईडी सीबीआई को उनके पीछे लगा दिया जाता है। देखिए मेघा पाटकर ने क्या कहा केंद्र सरकार के विरोध में। इस समय हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी मेघाताई हैं। मेरे पीछे मैं कैमरामैन को चाहूँगा दिखाएं, एक बैनर लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान। ये अभियान किस लिए शुरू किया गया, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी, इस देश के संविधान को कौन चोट पहुंचाना चाह रहा है, इस देश के संविधान के ढांचे को कौन कमज़ोर करना चाह रहा है? मेरे साथ में मेघाताई है, मैं उनसे बात करूंगा। मेघा मैम, काफ़ी सारे धरने प्रदर्शनों का आपने इतिहास देखा है, कई सारे आंदोलन आपने किए हैं, मैम आज इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? ये आंदोलन अभी अभियान से शुरू हो रहा है, उसके बाद हम जन आंदोलन का रूप लेंगे, ये अपेक्षा है। आज सभी जन आंदोलनों को ये महसूस हो रहा है कि केंद्र में जो सत्ताधीश बैठे हैं उनका रूप एक तो विभाजनवादी है और एक तो अत्याचारी है, और वो दमन करना चाहते हैं सभी आंदोलनों का जो कोई भी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। लेकिन साथ साथ वो अस्तित्व के जो मुद्दे हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो या रोजगार हो, महंगाई हो, उसको नकार कर अस्मिता को बढ़ाना चाहते हैं। युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच, गांव गली के अंदर घुस पैठ करके वो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको मिटाना चाहते हैं। वो लिंग के आधार पर महिलाओं पर अत्याचार करवाने की दिशा में एक मधुवादी सोच रख रहे हैं, और ये पूरे विभाजनवादी तरीका एक प्रकार का वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार से संविधान के खिलाफ कोई भी ताकतें अपनी राजनीति आगे बढ़ाए, और हम नहीं चाहते हैं कि देश में विभाजन हो। आज महात्मा गांधी हो या बाबा साहेब अम्बेडकर हो, पेरियार हो या राम मनोहर लोहिया हो, नेहरू हो, सरदार पटेल हो, इन सभी ने जातिवाद और सांप्रदायिकता का विरोध किया, इसलिए भारत में विविधता में एकता बनी रही, और उसको बचाना है, जनतंत्र को बचाना है। जिस प्रकार से ये सो कॉल्ड शासकीय संस्थाओं का उपयोग करके वो ईडी हो के सीबीआई हो, कोई भी आवाज़ नहीं उठने देते हैं, दबाते हैं, हमारे जैसे संगठनों पर तद्दन झूठ आरोप लगाते हैं, उसके सामने खड़े रहने का निर्णय आज देश भर के जन आंदोलनों ने लिया है। और जिलावार 75 किलोमीटर की यात्रा 2 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच चलने वाली है। अभी तक तो 250-300 जिलों में ये तय हो चुका है, राज्य राज्य में, उत्तर पूर्व भारत से दक्षिण भारत तक, और हम लोग उनका समर्थन है भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी के साथ चल रही है उसको भी। मेघा जी ये बताइए, क्या देश भर की जितनी सेकुलर पार्टियां हैं जो इन इस तरीके की जो दमनकारी पार्टियों का विरोध करती है, क्या उन पक्षों को भी आपके साथ में आप इस अभियान में जोड़ेंगी? देखिए, हमने उनको ऐलान किया है। आज कई सारे महाराष्ट्र के सेक्युलर पार्टीज़ के प्रतिनिधि हाजिर थे, उन्होंने सब ने आश्वासन दिया है, वो शिवसेना के नीलम गोरे जी हो या नाना पटोले जी के साथी और हुसैन दलवाई जी, ये सभी ने कहा है। सीपीआई के मिलिंद रानड़े आए थे, और मुझे लगता है कि बाकी भी जो भी सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ है वो निश्चित जुड़ेंगे। सभी मुद्दों पर हमारा एक राय होगी ऐसा नहीं भी हो, लेकिन हम लोग जन आंदोलनों के लोग एक विपक्ष की भूमिका हर जगह निभाते हैं। कोई भी पार्टी सत्ता में हो हम लोग आवाज़ उठाते हैं। आम गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, कष्टकारी, मेहनतकश, सबके तरफ से, और वो तो हमारा कार्य जारी रहेगा। ये मंजूर करते हुए और अपने पार्टी का बैनर या झंडा न लेते हुए वो शामिल हो जाएंगे अपने तिरंगा हाथ में लेकर। जैसे कि आपने सुना, ये थी मेघा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कहीं ना कहीं जो
कुछ पक्षों द्वारा या पार्टियों द्वारा, मैं साफ शब्दों में कहूँगा भाजपा आरएसएस जैसे संगठनों द्वारा जो है कहीं ना कहीं संविधान को चोट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, उसकी यहाँ से एक पहल हो चुकी है। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस तरीके की शुरुआत की थी। आज जो सभी जो सामाजिक पार्टियाँ हैं, जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मेघाताई का कहना है कि एक मंच पर आना चाहिए और एक साथ में इस जिस तरीके से संविधान को और देश की सेकुलर छवि को जो खराब करने की कोशिश की जा रही है उसे खत्म करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ये जन आक्रोश थी आगे चलकर जन सैलाब बने, इस तरीके की उम्मीदें वो रखती है। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।